वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लास शारदा बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल अड़ाई। आज के इस एपिसोड में, आज के इस चैप्टर में हमने सब्जेक्ट वर्ब है एग्रीमेंट पढ़ा। सब्जेक्ट वर्ब है एग्रीमेंट पढ़ा। आज अपन इसमें इस चैप्टर के संबंध में जो एक्सरसाइज है उसको हम हल करेंगे। इसमें हमें प्रत्येक दो सेंटेंस है उसके हमें क्या है कि सब्जेक्ट को पहचानना है कि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है या इसका सब्जेक्ट है वो क्या है प्लूरल है। तो कुछ तो सिंगल जो वर्ड है वो तो क्या है उसमें तो क्या हमें क्या पता चल जाता है कि ये भी सिंगुलर है ये प्लूरल है। लेकिन जब फ्रेज का सब्जेक्ट है यानी क्या है जिसमें दो तीन चार शब्द मिल करके एक वो यूनिट के रूप में काम करते हैं और उसको अपन क्या यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं तो उसमें हमें क्या है पता करना है कि इसका नंबर्स कौन सा है। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि क्या किसी कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें क्या अपवाद लगता है। तो जैसे हम क्या प्रश्नों को इनको हल करेंगे तो हमें क्या है सामने ये जो हमें क्या है ये वर्ब दे रखा है इसको हमें भरना है कि ये जो एक वचन है या ये बहुवचन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाइदर नीतु नोर हर सिस्टर लिसनिंग। तो इसमें प्रश्न है ये क्या नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है, किसे जुड़ा हुआ है नाइदर नोर से। और हमने क्या है ये पढ़ा था कि कोई क्वेश्चन अगर क्या है सेंटेंस नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है या फिर वो आइदर ओर से जुड़ा हुआ है या फिर वो क्या है ओर से जुड़ा हुआ है, नाइदर नोर आइदर ओर और ओर, अगर कोई सेंटेंस इन क्या है कि कंजेक्शन से अगर क्या है जुड़ा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में हमें इसमें जो बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके नंबर्स को हमें देखना है कि इसमें बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसका नंबर्स है वो एक वचन है यानी सिंगुलर है या प्लूरल। तो क्रिया बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो इसमें नाइदर नीतु, तो इसमें एक सब्जेक्ट इसमें क्या है नीतु है और एक इसमें सब्जेक्ट क्या है हर सिस्टर्स। तो नोर से जो पहला सब्जेक्ट है वो नीतु है और नोर के जो बाद सब्जेक्ट है वो हर सिस्टर्स है। तो ये नाइदर नोर और आइदर और इसमें अगर कोई दो सब्जेक्ट क्या इस कंजेक्शन से जुड़े हुए हैं तो क्रिया बाद वाला सब्जेक्ट का वचन देखना है। तो इसमें बाद वाला सब्जेक्ट ये हुआ नीतु पहले सब्जेक्ट हुआ और हर सिस्टर बाद के सब्जेक्ट हुआ और ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है प्लूरल है, कैसा है प्लूरल है बहुवचन है। इसलिए हमें क्या है कि इसकी जो वर्ब है वो हमें क्या प्लूरल भरना है। तो इसमें देखिए एक देर का है इच और एक देर का आर, तो इसमें प्लूरल क्या है आर। तो हमें इसमें क्या प्लूरल क्या भरेंगे कर्ता के हिसाब से इस खाली स्थान भरेंगे आर। ऐसे क्या है कोष्टक में भी ये आगे आपको दे रखा हो सकता है और इसको ऑप्शन के माध्यम से भी क्या इसको पूछा जा सकता है। तो ये क्या कोष्टक में आगे क्या दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो ऑप्शन राइट है उसे हमें क्या करना है इस खाली स्थान के अंदर
भरना है। इसके बाद है नोट ओनली बट आल्सो, ये भी इसी का ही है, नाइदर नोर आइदर और नोट ओनली बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो। नोट ओनली बट आल्सो के अंदर जैसे हमने नाइदर नोर आइदर और में क्या बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगी, सेम ही इसमें बट आल्सो के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वह अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन की आएगी, अगर वो बाद वाला सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की आएगी। तो ये देखते हैं कि नोट ओनली ये सब्जेक्ट सॉरी द लैम, एक सब्जेक्ट तो ये है और द लैम बॉय और एक सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, तो इसमें कंजक्शन क्या है बट आल्सो और नोट ओनली। इसमें बाद वाला सब्जेक्ट ये पेरेंट्स ये क्या है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ इज और आर्क है, इसका जो नंबर्स है इज सिंगुलर का है आर बहुवचन का है प्लूरल का है, तो इसमें हम क्या भरेंगे आर भरेंगे। इसके बाद है तीन नंबर है काउंसिल चुंजन एट्स प्रेसिडेंट, यानी परिषद को इसके अध्यक्ष के द्वारा चुना गया, यह काउंसिल है यह एक यूनिट वर्ड है, इसलिए काउंसिल अगर मान लो जब विभाजन का अगर ये बोध कराती है अपनी क्या है ये अलग अलग मुद्दों पर क्या है कि जब ये जिस भी इसका विभाजन हो जाता है एक से अधिक क्या एम सी एस दर्शाती है उस समय इसके साथ क्रिया क्या लगती है बहुवचन की लगती है, लेकिन यहाँ पर है ये क्या है एक इकाई के रूप में ये काम करती है, तो इसलिए इसके साथ अपन लगाएंगे हेज, हे और हेज देर का है, इनमें से इसके अंदर खाली स्थान में क्या भरना है हेज भरना है। इसके बाद है दे फ्लिट, तो दे फ्लिट जहाँ ए फ्लिट ऑफ और ए फ्लॉग ऑफ ए ग्रुप ऑफ, ये जो वर्ड है ए फ्लिट ऑफ ए फ्लॉग ऑफ और ए ग्रुप ऑफ, तो इसमें हमने ये क्या पढ़ा था कि इनके बाद जब कोई नाउन है तो ये क्या है बहुवचन की क्रिया, नाउन है बहुवचन आता है तो भी हमें क्या इनके साथ क्या लगाना है एक वचन लगाना है, तो दे फ्लिट है इसके साथ क्रिया आएगी एक वचन की, तो इसमें क्या होगा हेज होगा, बहुवचन के लिए हैव एक वचन के लिए हेज, तो इसमें आप अपन को हेज भरना है। इसके बाद है पांच नंबर है द कमिटी एग्रीड ऑन द मेन क्वेश्चन, यानी क्या है ये मुख्य जो प्रश्न है इस पर क्या सम्मति है वो क्या सहमत हुई, मेन क्वेश्चन इसका अर्थ है कि ये एक ही बात का क्या करवाती है बोध करवाती है, तो यहाँ पर ये जो कमिटी है ये एक इकाई के रूप में है, यानी क्या एक ही क्वेश्चन पर ये बोध करवाती है, इसलिए ये एक यूनिट के रूप में आई है, इसलिए इस कमिटी के साथ हमें क्या लगाना है वोज लगाना है, क्या लगाना है वोज। अगर अपन क्या ऐसे है इसमें ये प्रश्न अगर ऐसे होता कह दे कमिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न पर कमिटी दो भागों में बंटी हुई थी, तो ये क्या है कि एक यूनिट का एक इकाई का ही बोध वो एक इकाई के रूप में काम नहीं करती थी, यानी क्या है ये एक से अधिक का ये क्या बोध करवाती है, उस समय इस कमिटी के साथ हमें क्रिया बहुवचन की लगानी होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है एक जो मुख्य है ये इकाई के रूप में काम कर रही है, इसलिए इस कमिटी जो वर्ड है सब्जेक्ट है इसके साथ हमें
सिंगुलर की क्रिया लगाना है वॉच। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन, देखिए इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स, इस विवरण के संबंध में कमिटी डिवाइडेड, यानी क्या कमिटी की जो राय है वो क्या बंटी हुई है, यानी क्या कमिटी है वो क्या बंटी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो कमिटी है एक निष्पर्ष का ये काम कर रही है, यानी कि एक यूनिट के रूप में ये काम नहीं कर काम है नहीं कर रही है, इसलिए इसे कमिटी, सॉरी यहाँ मैं डबल ई लिखना था, यानी कि जो कमिटी है ये क्या है, एक से अधिक की ओर संकेत कर रही है, इसलिए इस कमिट जो वर्ड है इसमें हमें वोज की जगह क्या लगाना है, वर लगाना है, क्या लगाना है, वर। इसके बाद यह जब एक दशा का बोध करवाती है तो सिंगुलर आएगी कमिटी के साथ क्रिया, और जब ये एक से अधिक का बोध करवाती है उस समय इसके साथ क्रिया है वो किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। इसके बाद आगे का क्वेश्चन, दैयर, देयर ए लार्ज नंबर ऑफ द बोइच, ए लार्ज नंबर ऑफ द बोइच इन हिज क्लास, इन हिज क्लास, इसमें उसकी कक्षा में बड़ी संख्या में क्या है, बालक है, तो ए नंबर ऑफ और दे नंबर ऑफ, तो इसका जो रूल नेम काम करता है देर वाला, तो देर के अंदर हमें ये देखना है कि जब ये देर ये क्या एक वचन के लिए जब ये आता है, जब देर एक वचन के लिए आता है तो क्रिया हमें क्या है, एक वचन की लगाना होता है, और जब देर ये बहुवचन के लिए आता है तो हमें क्रिया किसकी लगानी होती है, बहुवचन की लगानी होती है। जैसे अपन इसको ऐसे देखें कि देयर इज ए रूम, रूम इन माय हाउस, मेरे घर में एक कमरा है। अब इसमें ये जो धीर आया, अब ये धीर ए रूम का ये बोध करवाता है, इसके बाद वाला नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्रिया कौन सी लगी, सिंगुलर की लगी। लेकिन जब ये क्या ऐसे आए कि धीर है आर है मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, इसमें अपन देखेंगे कि ये जो दे रहा है ये किसके लिए आया है, प्लूरल के लिए आया है, इसके लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी लगी है, प्लूरल लगी है। तो देयर है जब एक वचन के लिए आता है तो हमें क्या है, क्रिया एक वचन की लगाना है, और जब क्या है देयर क्या बहुवचन के लिए आता है, जब ये एक से अधिक वस्तुओं का व्यक्तियों का इसकी ओर अगर ये हिंट करता है तो उस समय ऐसी सिचुएशन में हमें उसमें क्या है कि देर है ज़्यादा है तो उसमें क्रिया बहुवचन की लगाई है, और अगर ये सिंगुलर की ओर इंगित करता है तो उस समय क्रिया क्या है सिंगुलर की लगाई। तो इसमें है कि उसकी कक्षा में ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, यानी क्या है कि बड़ी संख्या में बालक है, तो इसमें अपन के यहाँ क्या लगेगा, इसमें क्रिया भरना है हमें आर, क्या भरना है इसमें क्रिया भरना है आर। इसके बाद ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज कोट कॉपिंग, यानी क्या है बहुत से विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, इसमें ए नंबर ऑफ बॉयज है और एक होता है ए नंबर ऑफ और एक होता है दे नंबर ऑफ। इसमें देखिए अपने पीछे जब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल का अध्ययन किया तो उस समय हमने पढ़ा था कि ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और दे नंबर
नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ वो क्रिया आएगी प्लूरल की, किसकी क्रिया आएगी प्लूरल की, और दे नंबर ऑफ के साथ क्रिया किसकी आएगी, क्रिया आएगी सिंगुलर की। तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, बहुत से विद्यार्थी के इंग्लिश में फेल हुए, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50, यानी क्या है लड़कियों की संख्या है वो 50 है, यानी क्या है दे नंबर ऑफ के साथ हमें क्या क्रिया सिंगुलर की लगाना है और ए नंबर ऑफ के साथ क्रिया किसकी लगाना है प्लूरल की लगाना है। तो इसमें ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ ये क्या है सिंगुलर है, सॉरी ये क्या प्लूरल, प्लूरल है, इसके लिए हमें इसके साथ क्रिया किसकी लगाना है, ये वर की लगाना है, नहीं कि हमें क्या लगाना है बोझ, बोझ किसके साथ लगता है, बोझ लगता है दे नंबर ऑफ के साथ बोझ और ए नंबर ऑफ के साथ वर। इसके बाद है द मूव डिस्पर्स, यानी भीड़ है वो क्या बिखर गई। अब ये जो भीड़ है ये एक यूनिट के रूप में है, यानी एक इकाई के रूप में ये वर्ड यहाँ काम कर रहा है। तो मोब जैसे क्या है कि एक काउंसिल है वैसे ही, तो इसमें मोब है तो मोब के साथ क्रिया आएगी एक वचन की, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे हेज लिखेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद है, तो पार्लियामेंट इलेक्टेड इट्स स्पीकर्स, इसके व्यक्तियों के द्वारा क्या है इसको चुना गया, तो पार्लियामेंट ये सिंगुलर है तो इसके साथ पार्लियामेंट है एक यूनिट के रूप में है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे हेज लगाएंगे, क्योंकि हाँ इसके साथ क्या लगाएंगे हेज। इसके बाद है द मिलिट्री कॉल्ड आउट, ये जो मिलिट्री जो वर्ड है, देखो मिलिट्री कुछ जो वर्ड है वो हमें देखने के अंदर तो क्या सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन है वो जो वर्ड है वो क्या है प्लूरल है, जैसे इसमें मिलिट्री, मिलिट्री पुलिस पीपल केटल, ये जो वर्ड है ये क्या है दिखने के अंदर कैसे दिखाई देते हैं हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन इनके साथ क्रिया हमेशा किसकी आती है, क्रिया हमेशा इसके साथ बहुवचन की आती है। तो मिलिट्री जो वर्ड है ये क्या प्लूरल है, इसके लिए हमें क्या लगाना है वर लगाना है, इसमें हमें क्या भरना है वर भरना है। और इसके बाद 12 नंबर जो सेंटेंस है द क्रू लार्ज, तो इसमें ये चालक दल है वो क्या है दल है वो क्या है विशाल है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें हमें भरना है विशाल, तो इसमें क्या आएगा बोझ आएगा, तो इसमें हमें क्या भरना है बोझ भरना है। इसके बाद है द न्यूज, कुछ जो वर्ड है वो हमें क्या है दिखने के अंदर कैसे लगते हैं प्लूरल लगते हैं, लेकिन है वो वर्ड होते कैसे हैं सिंगुलर है, जैसे क्या है ये देखिए फिजिक्स, फिजिक्स जो वर्ड है ये क्या है सिंगुलर है, और न्यूज है ये वर्ड कैसा लगता है देखने में एस लगा हुआ है, अपन ये सोचते हैं कि भी जिसके साथ एस और ई एस लगा है वो क्या है बहुवचन है, लेकिन एस और ई एस है कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड भी है जिनके साथ में भी क्या है एस आता है, तो ये फिजिक्स न्यूज और वेजेज और आम्ज ये जो वर्ड है ये क्या है सिंगुलर, तो ये जो न्यूज है ये सिंगुलर है, इसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे इज। इसके बाद 4 नंबर में दे सॉरी क्योंकि इसके पहले जो सब्जेक्ट है ना विषय, इनके पहले क्या नहीं लगता आर्टिकल लगता नहीं है, खेलों के नाम के पहले विषयों के नाम के पहले मैथमेटिक्स ए ब्रांच ऑफ द स्टडी इन एवरी स्कूल, तो इसमें ये एक विषय है एक ही सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे अपन ईच लगाएंगे, ईच ऑफ देखो
15 नंबर जो क्वेश्चन है, ईच ऑफ और एवरी और नन और नथिंग बट और नथिंग बट, इनके बाद आने वाला नाउन चाहे बहुवचन है फिर भी इनके साथ क्रिया है वह हमें किसकी लगानी है, एक वचन की। तो ईच ऑफ द सिस्टर्स है, इसके साथ हमें क्रिया इसमें क्या लगेंगे, इच और आर में से इसमें क्रिया लगेंगे इच। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमों को पढ़ने के बाद में आज हमने क्या इस एक्सरसाइज को हल किया। ऐसे क्या है, आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैंने ये जब पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो नियम पढ़ाने के बाद में पीडीएफ फाइल में मैंने आपको अपने इस तरह से हल करने के लिए मैंने क्या एक्सरसाइज दी है। और आज हमने इस वीडियो में क्लिप में हमने आपको एक एक्सरसाइज को बोर्ड पर हल करके और इसका विश्लेषण करके बताया कि हमें एक्सरसाइज को कैसे क्या है हल करना होता है। बस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।